then don't call America as a superpower, then Pakistan is a superpower. और फिर जब एक इंटरव्यू में यह कहा गया कि जनाब क्यों अफगानिस्तान में हम लोग 20 साल से रगड़ा खा रहे हैं और हमें जो है वो डंडे पड़ रहे हैं हर जगह से, ये कौन है इसके पीछे, तो उसने जवाब दिया देयर इज ओनली वन वर्ड, द आंसर वुड बी ओनली इन वन वर्ड एंड दैट इज पाकिस्तान. क्या हमने मफरूर और भिखारियों और लुचे लफंगों और हारे हुए लोगों को और भगोड़ों को खैरात के तौर पे एक दिन ठहरा दिया कि कल को ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि जब हमें हर तरफ से ठुड्डे पड़ रहे थे, हर तरफ से लान तान हो रही थी और रहने की कोई जगह नहीं थी, तो हम उस मुल्क में जाके रहे जिसको हम धमकियां दिया करते थे कि हम तुम्हें पत्थर के दौर में भेज देंगे. ये एक डिप्लोमेटिक फतह है पाकिस्तान की. नहीं तो आपको पता है कि जितना मैं हुकूमत पे बरसता हूँ इतना शायद ही कोई इस उम्र में बरसता हो. लेकिन जहाँ पर एक बात आपके इदारों की अच्छी है वहाँ अप्रिशिएट करना चाहिए. आप डिप्लोमेटिक सतह पे एक इतनी बड़ी गेम कर गए हैं कि अंग्रेज आपसे खफा भी है, आपके खिलाफ साजिश भी करना चाह रहा है कि आप इस्लामिक गवर्नमेंट ले आए, और फिर वो आपका एहसान मंद भी हो गया कि जनाब हम भगोड़े थे और इन्होंने हमें एक दिन के लिए रात रहने के लिए जगह दे दी. अस्सलाम वालेकुम शहीद भाई, ये बताएं कि अमेरिकन फौजियों ने पाकिस्तान स्टे किया हुआ है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? लोग कह रहे हैं कब्जा कर लेंगे. मैं आज पूरा दिन इस्लामाबाद फिर के आया हूँ. ये भगोड़े हैं, इनकी वो औकात नहीं रही और अब इस्लामाबाद में पंजाब पुलिस फिर रही है. अगर कोई इस तरह की बात करेगा तो सीधा 9C का पर्चा होगा उस पर जो पाकिस्तान को हाईजैक करने की कोशिश करे. ये आधे यहाँ से आके भाग चुके हैं, अड्डे मांगना चाहते थे हमसे, अड्डे हमने इन्हें नहीं दिए. हमने इन्हें कहा कि जनाब अब ये वो दौर नहीं रहा कि हम बिच जाया करते थे या हम लोग आके वो बेगैरती करके अपने लोगों के खिलाफ तुम्हें इस्तेमाल होने देते थे. नो, पाकिस्तान चेंज हो चुका है. पाकिस्तान अब भीख नहीं मांगेगा तुम लोगों से, पाकिस्तान अब तरक्की की तरफ जा रहा है इंशाल्लाह ताला. जहाँ तक बात यह है कि जनाब क्या ये आगे इस्लामाबाद हाईजैक कर रहे हैं या क्या ये लोग आगे कराची हाईजैक कर रहे हैं, आधे लोग दफा हो चुके हैं यहाँ से और आधों को भी जो हमने पनाह दी. पाकिस्तान दुनिया में बेशक मकरूज मुल्क है, बेशक पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी देने वाली कौम पाकिस्तान है. और इस वक्त पाकिस्तान ने खैरात के तौर पे उन भगोड़ों को इधर रखा था दो दिन के लिए जो कि कल परसों तक यहाँ से दफा हो जाएंगे. अच्छा ये बताएं, इसको लेके पाकिस्तान पे बहुत तनकीद हो रही है, इस्लामाबाद पे बहुत तनकीद हो रही है, हुकूमत पे बहुत तनकीद हो रही है, हमारी पाक आर्मी पे बहुत तनकीद हो रही है. वो ये कह रहे हैं कि हमारी अफवाज ने, हमारी हुकूमत ने, जो ये जो लोग ये कहते थे कि हम अड्डे नहीं देंगे, उन्होंने पूरा इस्लामाबाद उन्हें दे दिया. आर्मेनिया, अजरबैजान वालों ने जब शिकस्त दी आर्मेनिया को तो पाकिस्तान के झंडे क्यों ले रहा है? पाकिस्तान तो गया ही नहीं था वहां पे, क्यों ले रहा है? अफगानी क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं? भी पाकिस्तान तो वहां पर कुछ कर ही नहीं रहा था. जब खाना काबा को चारों तरफ से घेर लिया गया और अंदर वो लोग घुस चुके थे और सारी आर्मीज ने सरेंडर कर दिया था, तब कौन गया था जहां वहां पर जाके रेस्क्यू करने? आप इस्लामाबाद में खड़े हैं तो आप क्या समझते हैं ये वाकई यहाँ कब्जा करने आए हैं? एक अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट से CNN और BBC वाले मुख्तलिफ जगहों पर इंटरव्यूज ले रहे थे और उन्होंने कहा था कि यार अफगानिस्तान में जो शिकस्त हुई है अमेरिका को, पाकिस्तान मस्ट बी इन्वॉल्व्ड इन इट, ये पाकिस्तान का किया धरा है, ये पाकिस्तान की साजिश है. तो उसने जवाब दिया डिफेंस एनालिस्ट ने, अंग्रेज ने, देन डोंट कॉल अमेरिका एज अ सुपर पावर, देन पाकिस्तान इज अ सुपर पावर. और फिर जब एक इंटरव्यू में यह कहा गया कि जनाब क्यों अफगानिस्तान में हम लोग 20 साल से रगड़ा खा रहे हैं और हमें जो है वो डंडे पड़ रहे हैं हर जगह से, ये कौन है इसके पीछे, तो उसने जवाब दिया देयर इज ओनली वन वर्ड, द आंसर वुड बी ओनली इन वन वर्ड एंड दैट इज पाकिस्तान. तो उस पाकिस्तान के बारे में अब ये जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि पता नहीं हाईजैक हो गया है, पूरा दिन इस्लामाबाद हम फिर के आए हैं आपके साथ और हमने सारा बड़ी डिटेल से देख लिया है कि हमने मफरूर और भिखारियों और लुचे लफंगों और हारे हुए लोगों को और भगोड़ों को खैरात के तौर पे एक दिन ठहरा दिया कि कल को ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि जब हमें हर तरफ से ठुड्डे पड़ रहे थे, हर तरफ से लान तान हो रही थी और रहने की कोई जगह नहीं थी, तो हम उस मुल्क में जाके रहे जिसको हम धमकियां दिया करते थे कि हम तुम्हें पत्थर के दौर में भेज देंगे.
ये एक डिप्लोमेटिक फतह है पाकिस्तान की। नहीं तो आपको पता है कि जितना मैं हुकूमत में बरसता हूँ इतना शायद ही कोई इस उम्र में बरसता हो, लेकिन जहाँ पर एक बात आपके इदारों की अच्छी है वहाँ अप्रिशिएट करना चाहिए। आप डिप्लोमेटिक सतह पे एक इतनी बड़ी गेम कर गए हैं कि अंग्रेज आपसे खफा भी है, आपके खिलाफ साजिश भी करना चाह रहा है कि आप इस्लामिक गवर्नमेंट ले आए, और फिर वो आपका एहसान मंद भी हो गया कि जनाब हम भगोड़े थे और इन्होंने हमें एक दिन के लिए रात रहने के लिए जगह दे दी है। अच्छा ये बताएं, अफगानिस्तान से अमेरिकन आखिरी फौजी भी वापस चला गया, वापस चला गया, सर झुका के वापस चला गया, तो क्या कहते हैं तालिबान के बारे में, क्या कहते हैं जो उन्होंने हुकूमत बनाई इसके बारे में क्या कहते हैं, और जो फौजी वहां से सारे चले गए इसके बारे में क्या कहते हैं? फटे पुराने कपड़े, फटे हुए चप्पल और मिट्टी से भरी हुई दस्तार पहनने वाले दुनिया की सो कॉल्ड सुपर पावर को शिकस्त दे चुके हैं। मैंने एक चीज आज एनालाइज की है कि यू कैन डिफीट अ मैन, यू कैन पुट हिम इनटू द जेल, यू कैन कॉल हिम अ टेररिस्ट, यू कैन कॉल हिम एन एक्सट्रीमिस्ट, यू कैन डिफीट अ मैन, यू कैन डिफीट अ नेशन, यू कैन डिफीट एन एटॉमिक पावर, यू कैन डिफीट अ सो कॉल्ड सुपर पावर, बट यू कैन नॉट डिफीट एन आइडियोलॉजी। एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, कि नजरिए को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती है, एटमी कुवत को शिकस्त दी जा सकती है, सूबों को तकसीम किया जा सकता है, कौमों को नेस्तो नाबूद किया जा सकता है, लोगों को जेलों में डाला जा सकता है। मुल्ला अब्दुल गनी को उठा के कराची की सड़कों पे दाढ़ी से घसीट के अमेरिका के हवाले किया जा सकता है, लेकिन फिर वही मुल्ला अब्दुल गनी है जिसके दाढ़ी के नीचे हाथ रख के और गिटों में बैठ के अमरीका मिनते करता है कि जनाब हमसे मुज़ाकरात कर दो, हमारी यहाँ पर माँ मर चुकी है अफगानिस्तान में, हमें वापसी के जाने का कोई रास्ता दे दो। तो नज़रिया वो चीज़ है जो इस्लाम की बुनियाद पर जिसे कभी भी शिकस्त नहीं दी जा सकती। और जो लोग ये कह रहे हैं कि तालिबान पत्नी गवर्नमेंट रन कर भी पाएंगे नहीं रन कर पाएंगे, ये टेक्निकलिटीज़ को कैसे समझेंगे? मुहर्रम के महीने में ये हुआ जब अंग्रेजों का इनकलाब हुआ, इन्होंने ये सोचा कि तालिबान आते ही कोई सुन्नी शिया फसाद वाला कार्ड ये खेलना चाहते थे। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे 9-10 मुहर्रम को तालिबानों ने तमाम जो मजलिसें थी और जो जुलूस थे उनको सिक्योरिटी दी, और इंडिया के और अमेरिका के नैरेटिव को वहीं शिकस्त हो गई। ये टेक्निकल पॉइंट, औरतें बच्चियां अगले दिन स्कूल्स गईं, ये टेक्निकल पॉइंट। दो फीमेल एंकर पर्सन अभी भी अफगानिस्तान के मीडिया पे खबरें दे रही हैं, ये टेक्निकल पॉइंट। हिंदुओं सिखों और ईसाइयों को वहां पर बिठाया गया और उनके पास गए ये लोग उनके गुरुद्वारों में, उन्हें कहा आपने अफगानिस्तान नहीं छोड़ना, आपको हम सिक्योरिटी देंगे, 5-6 मेरा जिसम मेरी मर्जी टाइप की आंटियां जो यहाँ नहीं निकलती वो मारवी सिर में टाइप की वो अफगानिस्तान में निकल आई, उन्होंने कहा हमें राइट्स नहीं मिल रहे। तालिबानों ने 10-12 तालिबान उनके इर्द गिर्द बंदूकें लेके खड़े हो गए कि हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, तुम्हारा हक है एहतजाज करना। अंग्रेज को मौका ही नहीं मिल रहा प्रोपागेंडा करने का, ये टेक्निकल पॉइंट। और फिर बोरिस जॉनसन ने कहा बरतानिया में कि जनाब बरतानिया अपना सफारतखाना नहीं खोलेगा, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस्लामिक गवर्नमेंट को। ऑन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट रशिया ने और चाइना ने यह बयान दे दिया, उसे थप्पड़ मार दिया कि जनाब हम अपने सफारत खाने अफगानिस्तान में बंद नहीं करेंगे, हम अपने सफारती तालुकात लेके चलेंगे। फिर टेक्निकल पॉइंट, जिस ईरान और अफगानिस्तान को आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही थी फिरकावारियत की बुनियाद पे, सबसे पहले जिन मुल्कों ने एक्सेप्ट किया उनमें ईरान का शुमार भी होता है और वो बैक एंड पे उन्हें सपोर्ट भी करते रहे थे। इंडिया ने कोशिश की पाकिस्तान को ईरान और अफगानिस्तान के थ्रू डिस्टेबलाइज करने की, वहां पर घुस के इन्होंने दो जगहों से कोशिश की, हम इन को 3 जगहों से जाके मार के आएंगे, 2 जगहों से तो हम मार चुके हैं और तीसरी जगह मैं आपको बता दूं, पहले इन्होंने सिंधु देश की कोशिश की, सिंधियों ने इन्हें लात मार के वापस भेजा, फिर इन लोगों ने आजाद बलोचिस्तान की कोशिश की, बलोचों ने शहादतें देके इनको लात मार के वापस भेजा भारतीय एजेंट्स को, फिर इन लोगों ने महाजर को जो है वो वर्गलाने की कोशिश की, महाजर ने कहा मैं तो अपना तन मन धन जान माल इज्जत आबरू सब कुछ कुर्बान करके यहाँ पाकिस्तान आया था, मैं तो इस पाकिस्तान का पंजाबी सिंधी बलूची पठान से ज्यादा बड़ा वारिस हूँ, तुम तो मुझे खरीदने की कोशिश करते हो, दफा हो जाओ यहाँ से। फिर इन लोगों ने पश्तूनिस्तान बनाने की कोशिश की, तो उस वक्त उन्होंने पठानों ने कहा था कि जनाब तुम लोगों ने लाहौर में तो आके वो चाय पी थी ना जिम खाने में, यहाँ हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। वो आज भी वो पठान कहते हैं कल राशा को पे खबर खुशबू सरा इंडिया को बार बार अयूब की कॉल पे ये खाइयाँ बेलचे लेके निकल गए थे बॉर्डर्स वाले एरियाज में। फिर इन लोगों ने पाकिस्तान को 2 लख्त किया, आज भी मेरे बंगाली भाई जो मुझसे रबते में है ना वो मुझे कहते हैं कि हम जानते हैं एक सियासतदान को अपनी कुर्सी की बड़ी लालच थी, लेकिन उसके साथ साथ ये जो बनिया था इस उल्लू के पट्टे ने हम मुसलमानों में मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में बड़ा फितना पैदा किया। और अब ये सोशल मीडिया का दौर है सर,
इस दौर में कोई चीज अवाम से छुपाई नहीं जा सकती। लोग समझते हैं, लोग अभी वो किताबी बातों से निकल गए हैं जो आप झूठी हिस्ट्री लोगों को पढ़ाते थे। अब लोग उन सियासतदानों को मगरबी पाकिस्तान में बेनकाब करेंगे जिन लोगों ने इस मुल्क को तकसीम किया, और मशरकी पाकिस्तान के लोग अब इंडियन पेड रोल पे जो लोग काम कर रहे थे, जो उनके निसाब तालीम में गलाजत भरी गई थी इस्लाम के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ या मुल्क को तोड़ने की बुनियाद पर, वहाँ के लोग उनको नाकाम करेंगे। और इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से सिंधु देश के मामले में भारत को सिंध से निकाला, जिस तरीके से भारत के एजेंट्स को बलूचिस्तान से निकाला, जिस तरीके से हमारे महाजिरों ने भारत के एजेंट्स को शिकस्त दी, जिस तरीके से इन लोगों ने केपीके और फाटा से भारत के एजेंट्स को शिकस्त दी, इसी तरीके से मशरकी पाकिस्तान हमारे प्यारे बांग्लादेश में हमारे बंगाली भाई इन भारतीयों को शिकस्त देंगे। और आप बहुत जल्दी देखेंगे इंशाल्लाह ताला दुनिया में डिबेट स्टार्ट हो जाएगी कि पाकिस्तान दोबारा रीयूनाइट हो रहा है। और अब हम ये मौका किसी ऐसे सियासतदान को नहीं देंगे जो कहते हैं मरसू मरसू फलाना देसू। तुम लोगों को हम बताना चाहते हैं कि तुम लोगों ने अगर पाकिस्तान तोड़ा है तो दोबारा हम तुम्हें मौका नहीं देंगे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने का।